अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इसहाक और आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने हुडी भी पहनी हुई है, मौसम भी बड़ा प्यारा है, बारिश भी हो रही है। अगर आप देखें तो ये ज़मीन गीली है। और इस वीडियो का मकसद ये है कि चूँकि यूएई में बारिशें हो रही है बहुत ज़्यादा, ये सीडिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल है, मतलब नेचुरल नहीं है। और अभी जो उन्होंने एक नया स्टेप बनाया है कि बारिश जब होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है, सड़कों पे खड़ा रहता है और कभी कभार जो है वो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए, और लोग स्कूल नहीं जा पाते, काम के लिए नहीं जा पाते, काम ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने, दुबई गवर्नमेंट ने इस इशू को कवर अप करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुबई साउथ में एक टनल बनाया है, अब उस पर काम शुरू किया है, जो 75% कंप्लीट हो चुका है। और ये अंडरग्राउंड टनल है, ये दुबई साउथ में है, ये सितंबर 2020 में ओपन होगा। और इसका मकसद यही है कि यहाँ का जो बारिश का जो पानी है वो यहाँ से नीचे उस टनल में जाएगा और फिर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना भी पानी है वो उधर ही जाएगा उसी टनल के अंदर। और इस टनल को दुबई टनल का नाम दिया गया है। और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि ये आइंदा जो आने वाले 100 साल है उसके लिए ये काफ़ी रहेगा। उस टनल की जो वीडियो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा।